ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके पिता ने उसके साथ कई बार जबरदस्ती की और उसे अपने ही घर के बेसमेंट में पूरे 24 साल तक बंद करके रखा। वो कैसे इतने साल तक सरवाइव कर पाई, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मूवी के स्टार्टिंग में हम सारा नाम की लड़की को देखते हैं। वो अपने डैड को बताती है आज उसे पार्टी में जाना है, लेकिन उसके डैड पार्टी में जाने से मना कर देते हैं। उसके फादर का नाम डॉन होता है। सारा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे जाने की परमिशन दे दी थी, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं। उसकी मॉम बोलती है फिर कभी चली जाना। उसका फादर उसे रूम में जाने को बोलता है। तभी हम देखते हैं सारा किसी को बिना बताए अपने फ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में चली जाती है और इंजॉय करती है। वहीं उसकी मॉम सारा के रूम के बाहर आवाज़ देने लगती हैं। अब उसका फादर भी सारा को आवाज़ देने लगता है। जब वो दोनों रूम में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है सारा अपने रूम में नहीं है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सारा का फ्रेंड उसे घर छोड़ने आता है। डॉन उन दोनों को देख लेता है और सारा को डांटता है। सारा गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। जब सारा अपने रूम में होती है तब उसकी माँ और बहन आती हैं। वो सारा की माँ बहन करने लगती हैं। सारा उन्हें बोलती है वो 18 की होने वाली है 3 मंथ में। जब वो 18 की हो जाएगी तो ये घर छोड़कर अपने फ्रेंड के पास चली जाएगी। सारा का फादर ये सब सुन रहा होता है बाहर से। फिर हम 3 मंथ बाद का सीन देखते हैं जहाँ सारा फ़ोन पर बात कर रही होती है। उसकी सिस्टर पहले से ही घर पर नहीं होती और उसकी मॉम भी मार्केट चली जाती हैं। डॉन सारा को बोलता है मुझे बेसमेंट में एक बॉक्स रखना है, मेरी हेल्प करो। वो दोनों उस बॉक्स को बेसमेंट के सीक्रेट रूम में ले जाते हैं। डॉन सारा को वहाँ बंद कर देता है। सारा बहुत चिल्लाती है लेकिन डॉन उसे इग्नोर करता है। सारा बहुत डर जाती है और वो उस बॉक्स को ओपन करती है जिसे वो बेसमेंट में लाए थे। उसमें सारा के कपड़े और कुछ खाने पीने का सामान होता है। वहीं सारा की माँ और बहन सारा के लिए परेशान होने लगते हैं, लेकिन डॉन मजे में बैठा होता है। सारा को बेसमेंट में रहते हुए 4 दिन हो गए थे। तब डॉन आता है। वो उसे धक्का मार के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है बेसमेंट में भी लॉक लगा था। उसका डैड उसे खींचकर वापस ले आता है। वो बोलता है मेरी बात ना मानने का यही नतीजा होता है और उसके साथ जबरदस्ती कर देता है। अब सारा की मॉम पुलिस को बुलाती हैं, लेकिन डॉन पुलिस को अपनी बातों में फंसा लेता है। वो बोलता है सारा पहले भी भाग चुकी है और उसने कहा था 18 की पूरी होने के बाद वो घर छोड़ देगी। पुलिस वाला रिपोर्ट लिखकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद क्रिस्टोफर आता है। डॉन उसको बताता है वो अपने फ्रेंड के साथ फ्लोरिडा चली गई है। 21 दिन हो जाते हैं सारा को बेसमेंट में रहते रहते। आज उसका बर्थडे भी है। डॉन उसके लिए केक और कैंडल लेकर आता है। वो सारा को कैंडल बुझाने को बोलता है। वो ऐसा ही करती है क्योंकि उसे डॉन ने कहा था मेरी बात मानोगी तो तुम्हें जल्द ही बाहर जाने दूंगा। वो सारा के लिए एक ड्रेस लेकर आता है और उसे पहनने को बोलता है। डॉन सारा को बोलता है तुम मुझसे कोई गिफ्ट मांगो। वो बाहर जाने के लिए बोलती है लेकिन वो मना कर देता है। लास्ट में सारा एक वॉच मांगती है। डॉन उसके लिए मान जाता है और जाते जाते सारा के साथ फिर से जबरदस्ती कर देता है। सारा खाने के कैन से एक हथियार बनाती है। डॉन जैसे ही उसके पास आता है वो उसको मारने का ट्राई करती है, लेकिन डॉन उसे धक्का दे देता है और उसे बहुत मारता है जिससे उसका हाथ भी टूट जाता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और हम देखते हैं सारा अब प्रेग्नेंट हो गई थी। वो अकेले ही बड़ी मुश्किल से एक बेबी गर्ल को जन्म देती है और उसका नाम मैरी रखती है। और हम देखते हैं 4 साल गुजर जाते हैं और डॉन सारा को एक बार फिर से प्रेग्नेंट कर देता है। डिनर करते टाइम डॉन सबको बताता है उसका प्रमोशन हो गया है। सारा की मॉम बोलती है हमें एक इन्वेस्टिगेटर हायर कर लेना चाहिए, लेकिन डॉन साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है।
डॉन सारा और उसकी बेटी के लिए एक टीवी लाता है। इस बार सारा एक लड़के को जन्म देती है। सारा उसका नाम माइक रखती है। एक दिन सारा की बेटी बहुत बीमार हो जाती है। उसे डॉन दवाई लाकर देता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। क्रिस्टोफर एक बार फिर से सारा के घर आता है, जहां उसे सारा की बड़ी बहन मिलती है। क्रिस्टोफर उससे बोलता है, डॉन ने उसे कहा है सारा अपने दोस्त के साथ फ्लोरिडा शिफ्ट हो गई है। उसकी बहन बोलती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, सारा कहाँ है। उसे लगता है डैड ने ही सारा के साथ कुछ कर दिया है। जब हम सारा को देखते हैं, वो फिर से यानी थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉन की वाइफ और बेटी के साथ लड़ाई हो जाती है। डॉन वहां से जा रहा होता है, तब उसकी जेब से बेसमेंट की चाबी गिर जाती है। उसकी बहन वो चाबी लेकर बेसमेंट में जाती है, लेकिन तभी वहां डॉन आ जाता है और उसे बाहर जाने को बोलता है। फिर हम देखते हैं सारा अपने थर्ड बेबी को जन्म देती है, वो भी एक लड़का होता है। सारा डॉन को बोलती है उसके थर्ड बेबी को बाहर की दुनिया दिखाए। डॉन बड़ी चलाकी से उस बच्चे को अपने घर के बाहर छोड़ देता है। उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुन के सारा की माँ बाहर आती है और उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था, मॉम ये बच्चा मेरा है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। उसकी मॉम बच्चे को अंदर लेकर चली जाती है। तभी डॉन को एक नोट मिलता है, उसमें लिखा था, डैड ने मुझे बेसमेंट में बंद किया हुआ है। ये पढ़कर डॉन एक बार फिर से गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं सारा के साथ वो फिर से जबरदस्ती करता है। नेक्स्ट सीन हम 14 साल बाद का देखते हैं, जहां सारा का बेटा और बेटी बड़े हो गए हैं। एक दिन डॉन सारा की बेटी को घूर रहा था। सारा समझ जाती है डॉन के इरादे ठीक नहीं हैं और डॉन को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए बोलती है। सारा की बेटी को हार्ट प्रॉब्लम है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश का थोड़ा थोड़ा पानी बेसमेंट में आता है। उसको लगता है ऊपर की जमीन कच्ची है। वो एक स्पून की हेल्प से छत तोड़ने लगती है और टॉर्च जलाती है। ऊपर खड़ा एक आदमी वो लाइट देख लेता है और घर की बेल बजाता है, लेकिन सारा की किस्मत फिर से खराब होती है क्योंकि वो डॉन को बाहर निकलते हुए देखता है। वो आदमी डॉन को बताता है, तुम्हारे बेसमेंट से कुछ लाइट आ रही है। ये सुन के डॉन सारा को बहुत मारता है, जिससे उसका मिसकैरेज हो जाता है। सारा एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है, जिसे डॉन जमीन में गाड़ देता है। सारा डॉन से थॉमस के बारे में पूछती है, जो उसने अपनी मॉम को दे दिया था। डॉन बताता है वो नेक्स्ट मंथ एक टूर्नामेंट खेलने जा रहा है। माइक बोलता है उसे भी खेलना है और बाहर जाने के लिए बोलता है। डॉन बोलता है, जब तुम्हारी मॉम सही से बिहेव करने लगेंगी, जब तुम सब बाहर जा सकते हो। सारा बहुत दुखी हो जाती है और क्रिस्टोफर के बारे में सोचती है। सारा अपने दोनों बच्चों को सारी सच्चाई बता देती है, जो उसके साथ हो रहा है इतने सालों से। बच्चे ये बात सुन के काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उसकी बेटी इतना डर जाती है कि उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। बच्चों को सच बताने के लिए डॉन सारा पर गुस्सा होता है और सारा को मारता है, लेकिन इस बार माइक डॉन को रोक लेता है और डॉन वहां से चला जाता है। हम देखते हैं डॉन की जॉब भी चली गई थी और उसके पैसे भी खत्म होने लगते हैं। उसकी वाइफ बोलती है, तुम पैसे कहाँ उड़ा रहे हो। डॉन को बैंक का नोटिस आता है घर खाली करने के लिए। डॉन सोचता है अब सारा और बच्चों को मारना होगा। वो वेंटिलेशन के रास्ते से गाड़ी का धुआं छोड़ने का सोचता है, लेकिन तभी थॉमस आ जाता है। अब सारा को बेसमेंट में रहते हुए 20 साल हो गए हैं। मैरी को फिर से अटैक आता है। सारा डॉन से बहुत रिक्वेस्ट करती है मैरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। डॉन मान जाता है। वो सारा और मैरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलता है और बड़ी ही मुश्किल से मैरी की जान बचा ली जाती है। एक लेडी डॉक्टर सारा को फॉर्म फिल करने को बोलती है, लेकिन सारा जानबूझकर उस फॉर्म पर पानी गिरा देती है और डॉन दूसरा फॉर्म लेने जाता है। तभी सारा डॉक्टर के पास आकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है, मेरी हेल्प करो। वहीं एक पुलिस ऑफिसर भी होता है, वो डॉन को पकड़ लेता है।
डॉन सारी सच्चाई बता देता है और सारा के बेटे को भी बेसमेंट से निकाल लिया जाता है। सारा की मॉम ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। अब सारा अपनी मॉम और सिस्टर के साथ रहती है। कुछ दिन बाद क्रिस्टोफर आता है, वो भी अभी सिंगल ही है, और सारा उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।